आज हम लोग यहाँ इटौंजा गांव में लखनऊ के पास आए हुए हैं राहुल सिंह जी के फार्म पे। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और विकल्प साहित के आने से क्या फर्क पड़ सकता है उस पर बात करेंगे। राहुल भैया ये बताइए, अपन यहाँ पे क्या प्रयास कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? जी, हम लोग चारा उगाते हैं पशुओं के लिए और उसकी सप्लाई करते हैं रोज़ के बेसिस पे। और यहाँ करीब 20 एकड़ में हम लोग हरा चारा पैदा करते हैं। अच्छा, पर डे करीब 25 से 30 क्विंटल की सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो अभी तक आप चारा कैसे कटवाते आ रहे हैं? हम लोग हसिया से कराते थे, वही जो जैसे ट्रेडिशनल तरीके होते हैं। अच्छा, उससे आप चारा कटवा रहे थे। खड़े हो जाओ, बिल्कुल फ्री। हो रहा है कि नहीं? दिन भर एत काटते तो ये साइथ विकल्प साइथ के आने से आप लोग को क्या फर्क लगता है, क्या फर्क आ जाएगा आपके डेली ऑपरेशन में? मेरे ख्याल से लेबर कॉस्ट कम होगी, मेहनत कम लगेगी, कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कम समय लगेगा, तो मैं उसी समय में ज्यादा एरिया कवर कर सकता हूँ और आगे ज्यादा सप्लाई की कोशिश कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे दीदी लोगों ने काटा है, स्वप्निल पूछिए भाई इनको कैसा लगा। आंटी आप लोग बताइए कैसा लगा? अच्छा लगा, काटने काटने में अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, मेहनत कम पड़ी है। और पहले क्या दिक्कत होती थी आप लोगों को काटने में? ठंडी में आओ तो वो लगती थी, हाथ ठंडे लगते हैं। अब काटने में जैसे मतलब इससे कटेगा तो हाथ भी नहीं ठंडे होंगे, ज्यादा कटेगी और गर्मी भी आएगी, हाथ धोने आएगी, एनर्जी फील मिलती है। चलिए आप लोग इसको इस्तेमाल करिए अच्छे से, और कोई कमी लगे तो हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Thank you.